गाइस यार 1080p वर्सेस 1080p 60 इन दोनों में फर्क क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ यूएसके एंड आपका स्वागत है टेक्निकल सीखो में। तो गाइस चलिए कुछ हम आपसे सीखते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं। तो भाई यार देखो, जब हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं ना, तो वहाँ पर जो क्वालिटी होती है, जहाँ पर हम क्वालिटी सेट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ में हमें 720p 1080p देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी होते हैं ना, जहाँ पर 1080p 60 लिखा होता है। आप गौर से देखना, 1080p 60 और 720p 60 लिखा होता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जो 720p ओनली 720p एंड 1080p होता है, उसका मतलब ये है कि वो जो वीडियो है, वो जो कंटेंट है, वो 30fps पर शूट किया गया है, 30fps पर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन गाइस जिसके आखिर में 1080p के आखिर में 60 होता है या फिर 720p के आखिर में 60 होता है, उसका मतलब ये है कि भाई वो जो वीडियो है ना, उसका जो FPS है वो 60fps, वो वीडियो 60fps पर शूट किया गया है। तो भाई यार आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वीडियो 60fps से ऊपर, यानी कि 90fps, 120fps और 240fps तक भी वीडियो शूट करते हैं, तो उनके वीडियोस पर हमें ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं आता कि 1080p 240 या फिर 720p 240? ऐसा आना चाहिए ना, 240fps भी हमें YouTube पर दिखना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो YouTube का ऐप है, जो YouTube का एप्लीकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 60fps तक ही सपोर्ट करता है। यानी कि 30, 25, 45, 40 ये सारे FPS YouTube सपोर्ट करता है। 60 से ऊपर, 60 से ऊपर YouTube का जो एप्लीकेशन है वो सपोर्ट नहीं करता। आप कितनी भी हाई क्वालिटी, हाई FPS का वीडियो बना दो, अपलोड कर दो, YouTube पर सिर्फ और सिर्फ 60fps तक का ही वीडियो दिखेगा। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि FPS क्या है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको अभी जानना है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। With the